ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 31 दिसंबर 2019 मंगलवार का दिन है। पोष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। शतभिषा नामक नक्षत्र है। कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशा सूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि धनु राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में, बुध धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष वृषभ कर्क सिंह कन्या वृश्चिक और धनु ये 7 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल तथा इनको करने वाले उपाय बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कम से कम समय में बहुत से काम निपटाने की आपकी कोशिश रहेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता का योग बन रहा है। कहीं से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। साथ ही नए संबंध आपके बनने वाले हैं। नए लोगों से मुलाकात होगी। बिजनेस में फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी और लेन देन के मामलों में किस्मत का साथ मिलेगा। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। कुछ खास काम परिवार की मदद से पूरे हो जाएंगे। धन लाभ का योग बन रहा है। किस्मत का साथ मिलेगा। नौकरी तथा कारोबार का तनाव जो चल रहा है वह दूर हो जाएगा। बकाया काम निपटाने पर आपको ध्यान देना चाहिए। एकाग्रता से आपको सफलता मिलेगी। आपको आगे बढ़ने के नए रास्ते मिलेंगे। लोग आपका ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास भी करेंगे। भौतिक सुख सुविधाएँ आपको प्राप्त होगी और कोर्ट कचहरी के मामलों में अच्छे संकेत आपको प्राप्त होने वाले हैं। और उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में कोई भी फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। अपने कामकाज पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य से भटकना आपके लिए नुकसानदायी साबित होगा। संयमित रखें, अपनी बात साफ तरीके से रखें। आज आप हर किसी को भरोसे में लेकर के अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। अतिरिक्त समय निकाल कर चले कामकाज में आप लगे रहेंगे। उन्नति तथा प्रगति आपकी होगी। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में मिश्री का भोग लगा करके परिवार में प्रसाद बांटेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। दोस्तों तथा रिश्तेदारों के कहने पर आपका खर्च हो सकता है। जीवन साथी और भाई बहनों से आपको मदद मिलेगी। किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। धन लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में अच्छा फायदा होगा और साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति से आपको अच्छी सलाह भी प्राप्त होगी। ग्रह नक्षत्र का शुभ संयोग आपके लिए है। कामकाज की वजह से सम्मान आपको प्राप्त होगा और एक ऐसी स्थिति भी आपके साथ पे बनेगी जिसके कारण घर में खुशी का माहौल निर्मित हो जाएगा। और उपाय के रूप में यदि आप घर के मंदिर में कोई भी धूप बत्ती लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज आप काम के प्रति समर्पित होकर के काम करेंगे तो बड़े और वरिष्ठ लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे। आज आप किसी तरह से अपना काम पूरा कर ही लेंगे। जो भी काम करेंगे उसमें मेहनत अधिक लगेगी लेकिन फायदा आपको ही होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े कामों में फायदा होगा। पुराना लोन यदि आपका बकाया है तो वह भी पूरा करने का आप प्रयास करेंगे। धन लाभ होगा। दुश्मनों पर आपकी विजय प्राप्त होगी और कोई ऐसे काम की सौगात आपको मिल सकती है जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था। और उपाय के रूप में यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे कच्चा दूध और गंगा जल मिलाकर चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा।
अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। अजीब तरह के विचारों के कारण आपके मन में थोड़ी बहुत घबराहट हो सकती है। बात बात पर उदासी आपको महसूस होगी, संभल कर रहे। अपनी गलत आदतों पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, नए लोगों के माध्यम से आपको फायदा होगा और पद प्रतिष्ठा और तथा आपको नया पद या पदोन्नति का भी योग बन सकता है। कार्यक्षेत्र में एक नई ऊर्जा आपको महसूस होगी। थोड़ी बहुत परिवर्तनकारी स्थिति भी आपके साथ बन सकती है। जिम्मेदारियां अधिक रहेगी। रोजमर्रा के काम निपटाने में समय आपको अधिक लगेगा। आज आपको अपने कारण किए गए जो है कार्यों का पता भी लगेगा और अपना जो है महत्व भी आप समझेंगे। कुछ ऐसे काम भी आपके द्वारा होने वाले हैं जिनका दूरगामी या आगे चल करके अच्छा परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। अत्यधिक ऊर्जा के साथ सकारात्मक तरीके से आप काम करेंगे तो निश्चय ही आपको जो है अच्छा फायदा होगा। और दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, जल्दबाजी में कोई भी काम न करें, किसी से विवाद न करें, धैर्य और शांति से आपको काम करना चाहिए। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। थोड़ा निर्णय करने में आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। असमंजस की स्थिति आपके साथ निर्मित हो सकती है। फालतू का जोखिम मोल न ले और किसी के साथ भी विवाद न करें। धैर्य और शांति से आपको काम करना चाहिए। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। पैसों को लेकर के कोई अनबनकारी स्थिति आपके साथ बन सकती है और कोई अच्छी योजनाएं आप निर्मित करेंगे या क्रियान्वित करेंगे और उन पर काम भी आप शुरू कर देंगे जो आगे चलकर आपको ही फायदा देगी। और पिछले समय से जो कोई भी परेशानी आपकी चल रही है या विवाद चल रहा है उसको भी सुलझने के लिए या सुलझाने का आप प्रयास करेंगे। भावनाओं के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आपको महसूस होगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित हो सकता है। नए काम की योजना बन सकती है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप कोई नया काम कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा फायदा होने का उत्तम योग बनने वाला है। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर बेसन से बनी मिठाई चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। धन की स्थिति आपकी सुधरने वाली है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। पारिवारिक सफलता और संतुष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी। घर परिवार को लेकर के आपके मन में कुछ उहापोह की स्थिति निर्मित होगी। तनावपूर्ण स्थिति भी निर्मित हो सकती है। कहीं पर यात्रा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा और ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो पहले कभी भी आपको नहीं मिले हैं। अचानक उनसे दोस्ती हो जाएगी और मुलाकात होगी जिसके कारण आपको अच्छा फायदा भी हो सकता है। और कार्यक्षेत्र में एक नयापन आपको महसूस होगा। कुछ परिवर्तनकारी स्थिति भी आप निर्मित कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं आप ऐसे स्थान पर भी जाएंगे पहले जहां पर कभी नहीं गए हैं। और उपाय के रूप में भोजन के साथ गुड़ खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं धनुराशि की। छोटी मोटी बातों को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। छोटी कारोबारी यात्रा आपके साथ होने वाली है। धन लाभ की कोई योजना आप बनाएंगे उसमें अच्छा फायदा भी होगा। किए गए फैसले या काम आपको आगे चल करके अच्छा फायदा देंगे और आपको किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करने का, चर्चा करने का अवसर मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में अच्छी सफलता मिलेगी। सावधान रहे, किसी के साथ भी वाद विवाद न करें। प्रेम और संयम के साथ में आपको बात करना चाहिए। किसी धार्मिक सामाजिक कार्य में सम्मिलित होने का अवसर आपको प्राप्त होगा। घर परिवार की व्यस्तता भी आपकी बढ़ने वाली है। कुछ नया काम, नई योजना आप शुरू करने का मन बना सकते हैं और कोई नया सदस्य आपके परिवार में आ सकता है, जुड़ सकता है या जुड़ने की संभावनाएं बन सकती है। उपाय के रूप में एक पीला फूल यदि भगवान विष्णु जी के मंदिर में आप चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंधों में सुधार होने का योग है। आत्मविश्वास से काम करें, किसी काम की जिद न करें, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। छुटपुट घटनाएं घटित हो सकती है जो कि आपके लिए लगभग लगभग फायदेमंद ही साबित होगी। किसी से व्यवहार आपका जो है तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए वाद विवाद न करें। धैर्य और शांति से आपको काम करना चाहिए। और उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे मिश्री चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की।
ऑफिस या फील्ड में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, किसी काम में उलझन भरी स्थिति निर्मित हो तो उसे शांति से काम करें या फिर उस काम को पेंडिंग आपको छोड़ देना चाहिए। काम का दबाव बहुत अधिक रहेगा और आपको शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत परेशानी भी महसूस होगी। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंताएं आपके साथ निर्मित हो सकती है। उपाय के रूप में एक लौंग खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आपको बड़ा फायदा होने का योग है। कोई नई चीज़ आप सीख सकते हैं, किसी समारोह में आप शामिल हो सकते हैं, कोई गोपनीय दस्तावेज या कोई रहस्यपूर्ण बात आपको पता चलने वाली है। मेहनत से आपको फायदा होगा और परिवार के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में लाल रंग का फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।